और आपने बताया कि लोग आपको क्या कहते थे? हाँ जी, जिन्ने भी इस तरह लागे बन्ने लोग कहते, मतलब वो सारे कहते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं करना। हालेलुया। तो इस ब्रदर जी का नाम मनप्रीत है और जी मक्खनविंडी गांव के रहने वाले हैं और इनके साथ इनकी सिस्टर हैं। और इस ब्रदर जी की गवाही जे कि जॉब की ब्लेसिंग की गवाही है। तो जी ब्रदर जी बता तो जे ब्रदर जी बता रहे हैं कि जैसे कारण अपनी जॉब के कारण बहुत परेशान थे, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में अपनी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी, पर फिर भी इन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। क्योंकि जैसी इनकी चाहत थी, जो चाहते थे जॉब के लिए, वो जॉब इन्हें मिल नहीं रही थी। पर जैसे कैसे इन्होंने परमेश्वर के साथ अपना मन दिया, कैसे जो परमेश्वर के साथ चले और खुदा ने कैसे इनको जॉब के साथ ब्लेस किया, तो जो ब्रदर जी बता रहे हैं कि जैसे जब जो ब्रदर जी अपनी स्टडी कर रहे थे उस समय जो प्लस टू में थे, तो जो बता रहे हैं कि जो अपने फादर साहब के साथ ट्रक रिपेयर का काम इन्होंने सीखना शुरू कर लिया। और फिर जो ब्रदर जी बता रहे हैं कि जैसे प्लस टू कंप्लीट हो गई और जो काम सीख रहे थे वो भी इन्होंने पूरी तरह से सीख लिया था, फिर इन्होंने अपनी प्लस टू कंप्लीट होते वो काम ऐसे करना शुरू कर दिया। और उस काम के साथ साथ इन्होंने फर्नीचर का भी काम करना सीख लिया था। और जैसे जो ब्रदर जी दोनों काम करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, पर जो बता रहे कि इनका मन नहीं करता था जो काम करने के लिए, पर जैसे कि जो काम इन्होंने सीखा था, क्योंकि कोई जॉब तो इन्हें मिल नहीं रही थी जो जो चाहते थे, फिर इसके दौरान इनको करना ही पड़ा था, पर मन इनका बिल्कुल भी नहीं था और जिसके कारण जो परेशान रहते थे। और जो बता रहे कि फिर इनका ऐसे ही काम करते इनके 2 साल बीत गए। और जो ब्रदर जी बता रहे कि फिर 2021 में इन्होंने 1 साल का टेक्सटाइल डिज़ाइनर कपड़े का प्रिंट का कोर्स करना शुरू किया। जब जो ब्रदर जी कोर्स कर रहे थे तो वहाँ पर कंप्यूटर पर सारा काम करना था, पर इनके घर में कंप्यूटर नहीं था, तो जिसके कारण जो परेशान हो गए, क्योंकि उनके कंप्यूटर लेने के लिए पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था और उसके कारण भी जो परेशान थे। पर जो ब्रदर जी भी विश्वास में थे, इनकी फैमिली भी विश्वास में थी, और जैसे इन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, धन्यवाद करते रहे, तो परमेश्वर ने इनके लिए पैसों का अरेंजमेंट किया और परमेश्वर ने फिर इनको एक न्यू कंप्यूटर के साथ ब्लेस किया। और जैसे जो ब्रदर जी अपना जो कोर्स कर रहे थे और साथ में जो बता रहे कि मॉर्निंग टाइम जो 2 घंटे की क्लास लगाते थे और क्लास के बाद ही जो ब्रदर जी अपने काम पर भी जाते थे, क्योंकि जो जो काम कंप्यूटर का जो सीख रहे थे, जो कोर्स कर रहे थे, उसकी भी फीस इन्होंने देनी थी और प्लस जो इन्होंने कंप्यूटर लिया था और कुछ उसके पैसे और भी देने थे। और जो बता रहे कि जिसके दौरान जो बता रहे कि फिर इन्होंने उस ऐसे ही अपना काम भी कर रहे थे और इस काम को भी इन्होंने सीखा। और जो बता रहे कि जैसे ही इनका जो 1 साल का कोर्स भी कंप्लीट हो गया, तो जो बता रहे कि फिर जो बता रहे कि जैसे इन्होंने इस काम को करना भी शुरू ही करना था, तो फिर लॉकडाउन होने के कारण जो बता रहे कि मार्केट में जो काम भी और भी डाउन पड़ गया, जिसके कारण फिर जो ब्रदर जी बहुत परेशान हो गए। जो बता रहे कि इन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि इन्होंने 1 साल पूरा अपना काम किया, काम करने के दौरान जो बता रहे कि जैसे फीस भी देनी, काम पर भी जाना और इस कोर्स को भी करना, 2 घंटे की क्लास भी देनी, तो इनका मन बहुत ज़्यादा टूट गया था कि कोई भी काम इनके हो नहीं रहा, जो जो जॉब चाहते थे जैसी वैसी मिल नहीं रही। और जो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि जो विश्वास में थे, इनकी मदर भी विश्वास करते थे और हर समय वो इनके लिए प्रार्थना करते रहते थे कि परमेश्वर इन्हें बड़ी बड़ी अच्छी जॉब के साथ इन्हें ब्लेस कर चुके। तो जे बता रहे कि जैसे जे ब्रदर जी विश्वास तो करते थे, पर जे जैसे हमें परमेश्वर में सही तरह से चलना चाहिए, हर एक नियम को पूरा करना चाहिए, वैसे जे ब्रदर जी नहीं थे करते, क्योंकि जे इतना भी जान चुके थे, कुछ समय पहले जे चल तो रहे थे पर जो कुछ
संसार की चीज़ें भी अपने जीवन में करते थे, पर जैसे ही जो पूरी तरह समझ गए, फिर भी वैसे इनसे चलना नहीं जा रहा था परमेश्वर के साथ, जैसे कि जो जो अपना काम करते थे, अपनी कमाई से दुश्वास निकालना, अपनी और रोज़ प्रेयर में जाना, वचन को पढ़ना, ये सब इनसे नहीं हो रहा था। तुझे बता रहे हैं कि मुझे इतना पता था कि परमेश्वर के साथ चलना चलना कैसे है, सीख भी गए थे, क्योंकि जैसे परमेश्वर के दास भी हमें टीच करते सिखाते कि सच में हमें वफादारी से फेसफुली से परमेश्वर के साथ हमें चलेंगे तो परमेश्वर भी हमारे मार्गों को खोलते, पर इनसे हो नहीं रहा था। जब भी जब मीटिंग को अटेंड करते थे तो जे बता रहे कि जे बड़ी गवाहियों को सुनते थे कि परमेश्वर सबके जीवन में अपने कामों को कर रहे, पर जे बता रहे कि फिर भी इनके जीवन में जो ये जॉब चाहते थे वो नहीं काम हो रहा था, तो जिसके कारण जे बता रहे जे काफ़ी अपसेट रहते थे, परेशान रहते थे। और जे ब्रदर जी बता रहे कि और जो इनके सिस्टर हैं वो भी इनके लिए लगातार ही प्रेयर में थे, जो इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रेयर है, तो जो लगातार इनके लिए प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर इनके लिए अच्छी जॉब दे चुके, सब इंतज़ाम कर चुके, जो इन्होंने अपने जीवन में अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत किए, तो सच में परमेश्वर इसके लिए सब कुछ कर चुके। तो जैसे फिर इस ब्रदर जी ने भी पर्सनल परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग को अटेंड किया, तो जे बता रहे कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनको और भी टीच किया, वचन के द्वारा भी इनको बताया कि आप परमेश्वर के साथ सही तरह से चले, रोज़ प्रेयर, वचन, और जो अपनी अपना काम कर रहे हैं इस समय, जो भी काम करें उससे आपने परमेश्वर को अपना विश्वास देना है, क्योंकि अगर हम वचन में भी लिखा है कि अगर हम थोड़े में वफादार नहीं तो हम बहुत कैसे परमेश्वर से लेंगे। तो जैसे इन्होंने थोड़ा परमेश्वर के लिए करना स्टार्ट किया, तो परमेश्वर ने इससे जैसे इन्होंने अपना मन दिया, प्रेयर करनी स्टार्ट की, तो फिर परमेश्वर ने इनके मार्ग को भी खोलना स्टार्ट किया। और जब बता रहे कि जैसे फिर ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे लगातार, और इनके लिए जैसे ही परमेश्वर के दास जब इन्होंने पर्सनल मीटिंग की और मीटिंग को भी अटेंड किया, तो इनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा लैंड हुई थी। पहले हम उस पिक को देखेंगे। तो जैसे ही परमेश्वर के दास का हाथ इन पर आया और जितना भी इनके जीवन में जॉब की रुकावट थी, जितना भी परेशानी थी, परमेश्वर ने उस दिन से इनके जीवन से हर एक बोझ को, हर एक जितने भी शैतान की, डेवल की, इनके जीवन में जॉब में रुकावट आ रही थी, सबको जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा डांटा गया, तो इन्होंने इस प्रेयर को पूरे मन से रिसीव किया, ग्रहण किया। तो जे बता रहे कि फिर परमेश्वर ने इनके लिए मार्ग को खोल दिया, परमेश्वर ने फिर इनको एक ऐसे पर्सन के साथ मिलाया जो जिन्होंने अपना कपड़े का प्रिंट का जो काम सीखा था वो ब्रदर वही काम करते थे। और उन्होंने इनके साथ जैसे ही बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे काम पर आ सकते हैं। और जब ब्रदर जी बता रहे कि जब जे काम पर गए तो उन्होंने अपना जो भी उन्होंने को काम कर दिखाया, तो उन्होंने इनको पूछा कि आप कितनी सैलरी चाहते हो। तो जब ब्रदर जी एकदम हैरान हो गए, क्योंकि जब बता रहे कि इनको इतनी समझ नहीं आ रही थी कि कितनी सैलरी बताएं, पर फिर भी जब बता रहे, फिर इन्होंने बताया कि मुझे 12,000 मंथ की सैलरी आप दे। तो जब बता रहे कि उन्होंने उसी समय इनको हाँ बोल दी, और जैसे फिर इन्होंने कुछ दिन अपना काम उनको ऐसे कर दिखाया, तो जो बता रहे कि जैसे इनको उन्होंने ऐसे सैलरी दी और इनको बताया कि आपकी 12,000 नहीं, आपकी 20,000 सैलरी है, तो जे ब्रदर जी पूरी तरह से हैरान हो गए। और जे बता रहे कि सच में जैसे वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर हमारी सोच से भी बढ़कर करते, तो जे बता रहे कि सच में इन्होंने तो सिर्फ 12,000 के लिए सोचा था, पर आज परमेश्वर इनको 20,000 सैलरी के साथ ब्लेस किया। और जो काम इन्होंने सीखा था, एक साल का जो इन्होंने कोर्स किया था, और इतना समय भी बीत गया, पर सच में परमेश्वर ने इनका बहुत से प्रतिफल दिया इनको। और जी आज बहुत खुश हो कि सच में परमेश्वर ने मेरी सोच मेरी सम से ज़्यादा किया, और जी आज बहुत खुश है। तो हम आइए जानते जो इनके सिस्टर हैं, हम इनसे जानेंगे क्योंकि इसके कारण जे कितना परेशान थे और आज ये कितना खुश है, और आइए हम जानते हैं। तो बताइए सिस्टर जी। सारी कलीसिया ने मेरे वालों जैमसी दी, पापा जी ने जैमसी दी। हाँ जी सिस्टर, मैं भी बड़ी परेशान रहती सी, क्योंकि मेरी शुरू तो ही बड़ी चाहत सी कि
ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ ਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਲੋਕ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਆਪ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਜੈਸੇ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਆਗੇ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਥੇ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਐਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਜੇ ਐਸੇ ਚੇਅਰ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰ ਕਾਮ ਕਰੇ, ਐਸੇ ਕੋਈ ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਤੋ ਸੱਚ ਮੇਂ ਜੈਸੇ ਇਨਕੀ ਸਿਸਟਰ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹਤ ਥੀ। ਔਰ ਤੋ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਔਰ ਆਜ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਕੋ ਜੋਬ ਕੇ ਸਾਥ ਬਲੈਸ ਕੀਆ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਘਰੇ ਵੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਆਪਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਟੀਚ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਦਸਵਾਂਸ਼ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਖਰਿਆਈ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਕੋ ਖੋਲ ਦਿਆ। ਤੋ ਸੱਚ ਮੇਂ ਕਲੀਸਿਆ, ਹਮ ਇਸ ਬੜੀ ਜੋਬ ਕੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋ ਉਠਾਏਂਗੇ। ਜਿਨ ਲੋਗੋ ਕੇ ਪਾਸ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ परमेश्वर के साथ लगाए और इस गवाही को, ब्लेसिंग को रिसीव करे, ताकि वो परमेश्वर आपके भी जीवन में हर वो बड़े मार्गों को खोल दे। और आज ही वो परमेश्वर, आज के बड़े दिन के परमेश्वर आपको भी जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, जिनके भी कोई डॉक्यूमेंट जिन्होंने बाहर भी जाने है, तो वो भी इस गवाही को रिसीव करे, ताकि परमेश्वर भी आपको लज्जित ना होने दे, परमेश्वर भी आपको गवाही के साथ खड़े करे, ब्लेस करे। तो अपने हाथों को उठाए क्लीसिया खुशी के साथ। कितने लोग आज खुश इस गवाही को सुनकर अपनी ब्लेसिंग के लिए और इनकी ब्लेसिंग के लिए तारीफ करे क्लीसिया, जोर से तारीफ करे। यहाँ से गवाही सुन रहा था बेटे की, जिसने अपना प्रोफेशनल डिजाइनिंग का, कपड़े की डिजाइनिंग का यह कोर्स किया था, पर उसे उस काम में उसे सफलता नहीं मिल रही थी। इतनी मेहनत से कोर्स किया, इतनी मेहनत की कि मुझे ये जॉब मिल जाए, पर नहीं मिली। नहीं बोलो क्या है, उसे मिली नहीं वो जॉब। अपनी बुद्धि से कई कुछ कर रहा था, बाहर चले जाऊं, इस कंपनी में चले जाऊं, ये करूं वो करूं, पर जब हम भरोसा रखते हैं तो खुदावंद रास्ते ओपन करता है। आमीन। अपनी जब जॉब मिली तो अपनी सोच से ऐसे सोचा कि मुझे कम से कम 12,000 तो मिलना चाहिए। अपनी सोच से सोचा मुझे कितना मिलना चाहिए, 12,000, पर दिया कितना खुदा ने। सबने गवाही सुनी है, खुद सोचा कि 12,000 तक तो मिलना चाहिए, पर मिला कितना? बाइबल में क्या लिखा है, जो तुम सोचते और मांगते हो वो हमारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी सोचने और मांगने से भी ज्यादा करता है, और वही वचन उस बच्चे की जिंदगी में पूरा होगा। आमेन। आमेन।